अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अभी खैरियत खैरियत से है। और आज सुबह के बज रहे हैं 7 और एंजल साहब का आ रही है दूध वाली सेवियाँ और इसके फाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो मैंने टीचर से कॉल करके पूछा है कि वो कह रही हैं इसकी 29 तक छुट्टियाँ हैं, 29 को इसका फाइनल रिजल्ट है। तो फिर आपको बताओगे इसके रिजल्ट में क्या आया है। तो कह रही थी मामा जी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, फिर रात को मैंने सेवियाँ बनाई थी तो मैंने कहा कि वही खा ले। अंजू मज़ा आ रहा है सेवियाँ खा रहा है ज़्यादा ज़्यादा खा रहा है। तो अब देखते हैं मैरी क्या कर रही है। मैरी मुझे लग रहा है चाय बना रही है। हेलो मैरी। हेलो गाइस। मैरी बना रही है चाय और मैं नाश्ता बना के लेके आऊँगी बाजी के घर। बाजी बनाती है चूल्हे पे नाश्ता आग पे, तो मैं वहाँ पे बना के लेके आऊँगी नाश्ता। अब चलते हैं बाजी के घर। अब हम जा रहे हैं बाजी के घर। ओह माय गॉड, बाहर का तो मौसम ही गाइस, मैंने समझा था गर्मी आ गई है बट बहुत ज़्यादा हो से आज। ये देखें ठंडी हवाएं, आहा गर्मी में सर्दी। तो हम जा रहे हैं मैरी रुको, हम जा रहे हैं बाजी के घर रोटियां बनाने, सुबह का नाश्ता बनाने जा रहे हैं बाजी के घर। सो मैंने कहा कि मैं जाते जाते अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, अपना व्लॉग तैयार कर लूं, तो फिर ही जाती हूँ बाजी के घर। तो बस यार गांव का यही मौसम है और यही ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हम दोपहर में रोटियां बनाते हैं व्यूअर्स। हम यहाँ पे दोपहर में रोटियां बनाते हैं इस जगह पे, यहाँ पे। तो आज काफ़ी ठंडी हवा है और बहुत ज़्यादा है। इधर बाग है, बाग नहीं इतना नज़र आ रहा, थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, और ज़्यादा है ना। सो गाइस बाजी के घर हम पहुँच चुके हैं। ओह बाजी भी नाश्ता बना रही है। सलाम बाजी। सलाम भाई। अरे बाजी और नाश्ता बना रही है, बच्चों ने भी स्कूल जाना है तो बाजी भी जल्दी जल्दी से नाश्ते बना रही है। चलो मैरी रखो, हम भी साथ ही नाश्ता बना लेंगे यहीं पे। सो गाइस ये मेरी बाजी का घर है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, नया बनाया है। तो बहुत प्यारे प्यारे पौधे भी लगाए हुए बाजी ने, देखें ये कुछ बहुत प्यारा पौधा है, खूबसूरती इससे घर की और बढ़ जाती है। और इस साइड पे भी लगाया हुआ है, अभी मुझे इनके नाम नहीं आते ये किस चीज़ के पौधे हैं बट बहुत प्यारे लग रहे हैं। लहसुन, लहसुन भी लगाया हुआ है बाजी ने व्यूअर्स, ये लहसुन लगा हुआ है पौधों के अंदर, गमलों के अंदर ना लहसुन लगा हुआ है। ये भी इसके बेचारे के सर्दी की वजह से ना पत्ते झड़ गए हैं, एक ये वाले के और इसके भी पत्ते झड़ गए हैं। मैं सोचा बाजी अभी नाश्ता बना रही है तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी वीडियो तैयार कर लूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बाकी लोगों का भी सारा खिलारा बिखरा हुआ है चार पाइयों पे। तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ी सी ना वीडियो तैयार कर लूँ। व्यूअर्स देखो टंकी पे कौवे बैठे हुए हैं, ये भी बेचारे रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से रोटी आए रोटी खाए रोटी बनाते हैं। सो व्यूअर्स गाँव का ये माहौल है, ये आग पे रोटियां बना रहे हैं, ये बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बाजी के नाश्ता कर रहे हैं। और ये छोटा वाला तो आज कह रहा है मैंने नहीं उतरना ये जिद्दी हुआ है। विवस ये लड़की नहीं है, ये लड़का है, सुर्खियां लगाता है ये। माशाल्लाह से और व्यूअर्स ये बाजी का दूसरा वाला बेटा भी आ गया है। व्यूअर्स ये बहुत प्यारी ड्राइंग करता है, किसी दिन मैं आपको इसकी ड्राइंग दिखाऊंगी। माशाल्लाह से अल्लाह ने इसको बहुत ज़हन दिया है, बहुत प्यारी ड्राइंग करता है। तो व्यूअर्स रोटी हमने बना ली है और अब हम जा रहे हैं अपने घर। मैरी जल्दी से आ जा। व्यूअर्स रोटियाँ बना के अब हम जा रहे हैं घर। तो अब थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल रही है, सूरज निकल रहा है, वो देखे हल्का हल्का सा ओस हट रही है साइड पे, बादल और ओस। तो पहले से काफ़ी बेहतर है,
नहीं तो पहले तो बाघ भी नहीं था पीछे से नज़र आ रहा। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। एंजल भी आ गई थी पीछे, तो बाजी का घर बिल्कुल करीब है ना, बैक साइड पे बाजी का घर है, तो वहाँ पे हम रोटी बनाने आए थे। एंजू एंजू भी आ गया था मामा के पीछे। एंजू भी आ गया। तो वीवर्स बहुत ज़ोर वाली भूख लगी हुई है, अभी जाके फटाफट करते हैं नाश्ता, उसके बाद आज मेरा दिल कर रहा था बाग में जाने के, थोड़ा सा बाग में घूम के आते हैं पहलियों में, तो आज हम फिर जाएंगे अमरूद के बाग में। सो वीवर्स एक चूल्हे पे हमने रखा हुआ है, सो वीवर्स एक चूल्हे पे हमने रखी हुई है सब्ज़ी और दूसरे पे रखी है चाय। अभी जल्दी से उनको गर्म करेंगे और रोटियां हम बना लाएं वहाँ से, और जल्दी से करेंगे नाश्ता और थोड़ी सी धूप निकलेगी फिर हम जाएंगे आज बाग में। सो फाइनली गाइस हमने नाश्ता भी कर लिया, घर का काम वगैरह भी सारा कर लिया है, सारा घर नीट है माशाल्लाह से, किचन भी नीट है, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए बाहर। आ जा मेरी लाइट ऑफ कर दे। तो अब हम थोड़ा जा रहे हैं बाग में, आज मेरा दिल कर रहा था अमरूद के बाग में जाने का, तो मैंने सोचा कि काम वगैरह करके तो फिर ही जाएंगे। तो अब हम बिल्कुल घर के सामने ही है बाग, तो अब हम बाग में जा रहे हैं। एंजल आ जा, हम जा रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैंने अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि आज हम थोड़ा घूमने घूमी घूमी करने जा रहे हैं। क्यों एंजल जी? जाना है अमरूद के बाग में। मैं भी दुपट्टा लेने लगी हूँ, मुझे लिया गाइस। गाइस उसने भी दुपट्टा ले लिया है, ये छोटा सा, आज मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले थे बेटी से, तो इसका छोटा सा दुपट्टा भी निकला है। सो गाइस माशाल्लाह से सरसों कितनी प्यारी हुई है, फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी है ना एंजू, बहुत प्यारे लग रहे हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा दूर रह गए हैं अमरूद के बाग में हम पहुँचने वाले हैं जी। मटर देखने चलते? नहीं मटर देखने नहीं चलते, अब अमरूद देखने चलते। पानी तो नहीं लगा हुआ खेत में। सो व्यूअर्स फाइनली हम अमरूद के खेत में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये पट्टे वगैरह भी लोगों ने उगाए हुए हैं, और अमरूद माशाल्लाह से बहुत अमरूद लगते हैं मेरे को। और ये पूरा यहाँ के अमरूद बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े वाले होते हैं। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था, कल से दिल कर रहा था कि मैं जाऊँ अमरूद के बाग में, तो फिर मैंने कहा कि अभी शाम काफ़ी हो गई, कल शाम को दिल कर रहा था थोड़ा घूमने को कि जाएं बाहर, तो फिर मैंने कहा काफ़ी शाम हो चुकी है, कल जाऊँगी और साथ अपने व्यूअर्स को भी दिखाएँगे कि हम यहाँ पर घूमने आए हैं। नहीं ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे वाले अमरूद हैं, बहुत मीठे होते हैं, बहुत अच्छे वाले हैं, मज़ा आता है खाने में। पूरे नीचे तक पौधे भरे हुए हैं। आओ ये कितना अच्छा है, ये तो तोड़ ही लेते हैं। ये लें जी साहब। तो सो व्यूअर्स अब हम थोड़ा घूमेंगे, तो आपसे ही लेते हैं इजाज़त, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।